मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के दौरे पर हैं। 3 दिन का दौरा है, फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीधे आपको सुनवाते हैं। पहले उसमें कोई नियम होते थे, फैसला सदियों लग जाती थी, लेकिन अब निर्धारित कर दिया है कि इतने समय के अंदर आपको फैसला करना होगा। इस ढंग से हमारी सरकार आप लोगों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, पिछले 20 महीनों में केवल राजस्व विभाग नहीं है, सभी विभागों में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। और किस प्रकार हमारे आत्मनिर्भर बने, हमारे परिवर्तन इस दिशा से वो इंगित करते हैं कि अगर हमें अपने पांव पर खड़ा होना है तो हमें कुछ परिवर्तन और कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस दृष्टि से पिछले दिनों आपने देखा जो साधन संपन्न लोग हैं, जो 5-5 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, जो 2-2 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, उनका बिजली का बिल भी जीरो कर दिया गया। यानी कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, साधन संपन्न लोगों को भी बिजली का बिल जो है वो जीरो आता है। हमने कहा कि साधन संपन्न लोग जो इनकम टैक्स पे ही है, चाहे उसमें नेता है, चाहे उसमें अधिकारी है, और जो भी इनकम टैक्स पे करता है उसको बिजली का बिल प्रति यूनिट के हिसाब से लगना चाहिए, क्योंकि देने की क्षमता रखता है। जो गरीब है, जिसके पास साधन बहुत कम है, जो गांव में रहने वाला आदमी है, उसके लिए हमने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उसे भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना बिजली का बिल वो देना चाहता है उस संदर्भ में हमारी आने वाले समय में नीति बनाने की कोशिश हमारी इस ओर आगे है। लेकिन जो जिसकी उम्र 50 लाख में से कम है, उसको हम जीरो बिजली के बिल के दायरे में लाने के बारे में हमारी सरकार कटिबद्ध है। और मैं ये चाहूंगा कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जो बिजली का बिल देना चाहते हैं, वो स्वयं भी आगे आए ताकि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बड़े बड़े होटल हैं जिनका टर्नओवर 40 करोड़ 50 करोड़ है, 200 कमरे हैं, उनको भी हम बिजली में 1 रुपए की सब्सिडी देते हैं। जब वो फायदा कमा रहे हैं, चाहे वो बड़े होटल कोई भी हो पूरे प्रदेश में हो, क्योंकि 60% जो बड़े होटल है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों बनते जा रहे हैं, उनको जो सब्सिडी दी जा रही है, हम अपना गला काट कर बड़े बड़े होटलों को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा प्रयास था, लेकिन जब वो खुद सामर्थ्य हो चुके हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो उन्हें भी सरकार की जो बिजली की सब्सिडी है उन्हें खुद ही स्वयं रूप से त्याग कर देना चाहिए, ताकि जो बिजली हम आपको दे रहे हैं वो 24 घंटे रहे और उसकी क्वालिटी में अच्छा और क्वालिटी अच्छी रहे। ये प्रयास हमारा सरकार का आगे है, क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी होगी तो लाइट बंद नहीं होगी, आपकी क्वालिटी में फुल लाइट आएगी और आप अच्छी तरह से अपने व्यापार को चला सकते हैं। लेकिन मेरे ध्यान में कई ऐसी चीजें आई है जहां हम सब्सिडी की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले 40 साल से वो सब्सिडी ले रहे हैं, अब उनका व्यापार काफी फल फूल गया है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आप खुद ब खुद इस बिजली का सब्सिडी का त्याग करें, मेरा ये मानना है। पानी के क्षेत्र में आज हम आपको क्वालिटी वाटर नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, कारण क्या है? अब 127 करोड़ आईपीएच विभाग में बिजली विभाग का पैसा देना है, वो आपका पैसा है, आपकी जेब से निकलेगा। हमने प्रयास किया है कि हम पानी में भी जिसकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती होगी उसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी का बिल देना चाहिए, और जिसकी आय 50,000 रूपये से कम है उसके लिए भी हम पानी के बिल में बहुत अधिक रियायत देने जा रहे हैं, ताकि जो बिल और जो स्वच्छ जल है वो आप लोगों मिल सके। इस प्रकार के फैसले हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। बड़े बड़े होटल है, कई किलोमीटर पानी लेते हैं, तो उसको पानी का बिल देना चाहिए। जो टूरिज्म सेक्टर है, तकरीबन सब जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा टूरिज्म सेक्टर है, गांव में पानी नहीं आता है लेकिन उस होटल में पानी चले आता है और उसको बिल नहीं मिलता है,
उन मुफ्त का पानी प्रयोग कर अपने होटल की कमाई से वो ज्यादा फायदा उठाता है।